हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ बनाऊंगी तो ये मेरे को भी नहीं पता मैं क्या बनाऊंगी। बनाऊंगी जब देखना आप। तो ये हरी मिर्च है, अदरक लहसुन, ये प्याज है, ये सोयाबीन है। तो इन सोयाबीन को मैंने भिगो लिए थे पहले ही, और इनको भिगो के अब मैं पीसूंगी मिक्सी में। पीस के फिर दिखाती हूँ आपको। ऐसे निचोड़ के अच्छे से और ऐसे मिक्सी में जाल में डाल देना। अभी मैंने पीस लिया, इसको पीस के अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये कढ़ाई ली, इसमें तेल डालो, तेल गर्म होगा, इसमें जीरा डालते हैं, प्याज, इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ। हरी मैंने सब कुछ डाल दिया, हरी मिर्च लहसुन प्याज जो भी था वो सब डाल दिया इसमें। अब इसमें मसाला डालते हैं, हल्दी, इसमें सब कुछ डाल दिया मैंने, हल्दी, धनिया, नमक और घी वगैरह सब डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके पका लेते हैं। अब अपन ये पेस्ट डाल देते हैं इसमें सारा, ऐसे करके फिर मिला के फिर 2 चम्मच इसमें मलाई डालते हैं। ये बन के रेडी हो गया, ननू चुप, ये बन के तैयार हो गया है, मैं आगे बताती हूँ आपको। और एक बार बना के खाओगे आप तो बार बार यही कहोगे, यही खाएंगे, बहुत टेस्ट। ये आटा, अब इसकी लोई बना के इसको बना के मैं इसकी लोई बेल लेती हूँ, देखना आगे बार मांगोगे, बहुत टेस्टी बनता है ये। बेल रही है रोटी, देख सकते हैं इसको लंबी सी बनानी है, बिल्कुल पतली सी बेलनी है, पतली सी बनानी है और लंबी सी बनानी है। इस पे ब्रेड है ना, ये ब्रेड मैं इस पे ऐसे रख देती हूँ ब्रेड। अब वाइट क्या, वाइट लेना है, ये ब्राउन का टेस्ट स्वाद नहीं आता है, वाइट लिया करो। इस पे ये बनाया था ना, ये अपन ने पेस्ट, ये की पेस्ट बनाया था हमने, वो पेस्ट लगा दिया है, ये ऐसे लगा देंगे, रोक दे, ऊपर करके दिखाना इसे, ये देख सकते हैं। अब देखो इसको ऐसे उठा के और इसको ऐसे चिपका देंगे। हाँ, ये जो ब्रेड की शेप ले लेगा, फिर ऐसे ब्रेड की शेप ले लेगा, ब्रेड भी नहीं दिखेगी ना मसाला, फिर इसको तवे पे सेक के बड़ा यम्मी लगेगा, दिखा के देख लो। तो वो गर्म हो गया है, इसको हम बनाया था, इसको ऐसे बनेगा, बनेगा इस शेप में, ये देखो ये इस तरह से बनेगा। और इसको दोनों साइड से अपन सेकेंगे अच्छे से, तेल घी लगा लो, चाहे आप तेल भी लगा लो, कुछ भी लगा के ऐसे सेक लेना इसको अच्छे से, इसको ऐसे साइडों में से इसको ऐसे कर करके सेक लेना, ऐसे करके फिर ऐसे चारों तरफ से ऐसे सेक लेना इसको, कि कच्चा ना रह जाए, कच्चा रह जाएगा तब गंदा सा लग जाएगा स्वाद इसका। अभी देखो बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा बना है ये दोनों तीनों साइड से। आप मैदे का आटा भी लगा सकते हो, मैंने तो मैदा नहीं था इसलिए गेहूँ के आटे से ही बनाया है। देखो कितना अच्छा बना है, मैं अभी इस पिज़्ज़ा कटर से इसको काट के फिर और दिखाती हूँ आपको, इसको ऐसे काट लेना। अब मैंने काट दिया इसको पिज़्ज़ा कटर से, ये पिज़्ज़ा कटर थी मैंने इससे काटा था, और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है ये, और बहुत यम्मी लगता है। आप एक बार बना के जरूर ट्राई करना, आप सॉस से, आप इसको सॉस से या कोई हरी चटनी से किसी से भी खा सकते हो, मैं तो इसको सॉस से ही खाऊंगी। देखो दोनों कितने अच्छे बन के तैयार हुए, आप एक बार बना के जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा, आप बार बार सोचोगे हम यही बना के खाएं। और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।